पूरा का पूरा मैं स्नो से भर गया और अभी मैं गाड़ी साफ़ करके हटा हूँ 1 मिनट पहले और फिर से मेरी गाड़ी स्नो से भर गई। इतना बुरा हाल हुआ है, मेरे शूज़ स्नो से भीग गए हैं सारे के सारे, मेरे कपड़े स्नो से भीग गए हैं, मेरे हाथ है ना जो आई जस्ट कांट फील माई हैंड्स राइट नाउ। जनवरी की 23 तारीख होगी और जनवरी भी खत्म होने वाला है, फरवरी आ जाएगा, मार्च, यहाँ तक कनाडा का ऑलमोस्ट लास्ट महीना होता है जिसमें स्नो पड़ती है और इस साल तो बिल्कुल भी स्नो नहीं पड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि नोवा स्कोशिया में, जब मैं यहाँ पर नहीं आया था लोग कहते थे नोवा स्कोशिया में इतनी स्नो पड़ती है, वहां पर तो सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, लेकिन अब तक बस 2 या 3 बार स्नो पड़ी है और कल पड़ी यहाँ पर यहाँ की सबसे खतरनाक वाली स्नो, मतलब अब तो इस साल की सबसे ज्यादा स्नो जिसे कह सकते हो ना, वो वाली स्नो पड़ी। कल मैं तूफान में फंस गया था, उस तूफान के बारे में बात करेंगे। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। बहुत पंगा है यार कनाडा में स्नो का। अभी मैं सुबह कांड हो गया, मैं आपको ड्रोन उड़ाकर बाहर के शॉट्स दिखाने लगा था, ड्रोन स्नो में ही गिर गया मेरा। अभी बाहर जाना पड़ेगा उठाने के लिए। ये बहुत पंगा है यहाँ पर स्नो का। अगर वहाँ पर हमें डोर के पार भी जाना है ना, तब भी हमें पूरे कपड़े पहनकर और साथ में शूज वगैरह, ये देखो स्नो शूज वगैरह पहनकर फिर जाना पड़ेगा। अभी शूज पहनने लगा हूँ। चलो 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 ड्रोन ढूंढे, कहाँ है? वहाँ पर कहीं गिरा था स्नो में, मुझे लगता है दब गया भाई स्नो में ड्रोन दब गया मेरा। अभी यहाँ से, पता मैंने यहाँ से उड़ा लिया, मुझे लगा यहाँ तक जाएगा और मैं इसको आगे को कर लूँगा, लेकिन जो ऊपर जाकर इससे टकराया, टकराता रहा, इसको मैंने उधर को किया, वो वाली दीवार से जाकर टकराया, वहाँ से गिरा नीचे। वो देख रहे हो स्नो में, वो देखो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमें वहाँ से इसे उठाने जाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ से छलांग लगाई ना, मैं पूरा का पूरा स्नो में यहाँ से गिर जाऊंगा, इसलिए हमें ऊपर से अब नीचे से घूम कर जाना पड़ेगा। देखो कितनी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे, अभी देख रहे हो मेरे शूज। सुंदर तो बहुत लग रही है, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। इतनी देर पड़ी नहीं स्नो, बस 3-4 घंटे पड़ी थी। ये देखो मेरे, इनको मैं आपको कहता हूँ ना, ये वाले मैं स्नो शूज़ की तरह पहनता हूँ, लेकिन ये वाले भी आज पूरे के पूरे मेरे शूज़ है ना जो बर्फ़ में जा रहे हैं। देखो पूरे के पूरे बर्फ़ में जा रहे हैं, तो ये भी इतना काम नहीं कर रहे आज। तो हमें यहाँ से, यहाँ पर कहीं ड्रोन गिरा था मेरा, ये रहा भाई, स्नो में ख़राब ना हो जाए। शिट, देखो ठंड की वजह से बेचारा खराब ना हो जाए, मुझे तो डर लग रहा है। देखो क्या हाल बन गया भाई स्नो इसका, ड्रोन का। पता नहीं अब उड़ेगा कि नहीं, इसको ऊपर जाकर साफ करता हूँ, थोड़ी सी गर्मी देता हूँ इसे। जरा एक बार सोच कर देखो, आपने अपने घर से, इंडिया में ही आपने अपने घर से बाहर जाना हो, दरवाजे के बाहर है ना गली तक जाना हो, और आपको वहाँ तक जाने के लिए फुल रेडी होकर जैकेट वगैरह पहनकर स्नो शूज़ वगैरह पहनकर फिर जाना पड़े ना, फिर आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। We'll get away. This is what we waited for. तो कल क्या हुआ था? कल ऐसी बात हुई, कल मैं काम पर था पहले तो काम पे मैं गया जब, उस वक्त इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ रही थी, बस थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही थी। बाद में इतनी ज़्यादा स्नो हो गई, इतना ज़्यादा तूफान आ गया। कि 3 घंटे में इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई ना कि मेरी गाड़ी भी स्नो में फंसने वाली हो गई थी। और मुझे बाहर ऑलमोस्ट आधा घंटा लगाकर पहले मुझे अपनी गाड़ी साफ़ करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मतलब कल तो सर्वाइव किया, वो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊँगा। अभी शाम के कुछ 6 बजे हैं और ऑलमोस्ट कुछ 3 घंटे हो गए हैं स्नो को पड़ते हुए। और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह मतलब तूफान आया हुआ है। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ गई। ये मेरी गाड़ी यहाँ पर 3 घंटे से बस खड़ी हुई है और ये देखो क्या हाल हो गया स्नो से। अब आपको मैं आज ड्राइविंग कंडीशंस दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे होती है असली स्नो की। मुझे अभी ये सारी की सारी स्नो साफ़ करनी पड़ेगी, पहले ये साफ़ कर लूँ मैं, फिर आपसे बात करता हूँ। ये देख रहे हो नीचे मेरे पैर भी स्नो में चले गए। अब मेरे शूज़ के अंदर पानी चला जाएगा। अरे भाई दिस इज़ टू मच। मेरी गाड़ी देखो जरा, ये देखो क्या लग रही है यार मेरी गाड़ी। ये इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है ना, ये भर गया भाई सारा का सारा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं घर तक कैसे जाऊँगा यार। मतलब मुझे देख कर हैरानी हो रही है। अभी बस 3 घंटे हुए हैं स्नो को पड़ते हुए और इतनी स्नो मैंने पहली बार देखी है यहाँ, जो 3 घंटों में इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई हो। ये देख रहे हो आप, इससे जरा गैस करके देखो इसका साइज़ और स्नो का साइज़ देखो कितना है, फिर आपको समझ आएगा। ये मेरे हाथ का साइज़ देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है यार। 3 घंटों में ये सारा का सारा भर गया। मैंने आज व्लॉग बनाना था हाउ पीपल सर्वाइव इन स्नो, लेकिन आज व्लॉग बनेगा स्नो स्टॉर्म का। मेरे शूज़ के अंदर पानी चला गया, मेरी जो सॉक्सीज है वो भी भीग गई हैं। एक हिसाब से इस वक्त ना मैं स्नो में फंसा हुआ हूँ। मैंने ये जो जैकेट पहनी हुई है ना, ये मेरी सारी की सारी भीग जाएगी। अभी मेरी स्नो जैकेट भी है गाड़ी में, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए गाड़ी को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। अगर गाड़ी की ऐसे ही मैंने कोई भी ये विंडो वगैरह खोल दी या कुछ भी कर दिया, सारी की सारी स्नो अंदर चली जाएगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये जो मेरी गाड़ी के वाइपर्स देख रहे हो ना, टूटे हुए हैं। मुझे नहीं पता मैं वही विंडशील्ड को साफ़ कैसे करूँगा, घर कैसे लेकर जाऊँगा गाड़ी को, मुझे कुछ नहीं पता। ये टायर्स देखो क्या हाल बन गया टायर्स का। गाड़ी स्किट करती हुई जाएगी। स्नो गाड़ियाँ घूम रही हैं, स्नो साफ़ करने आ गई हैं स्नो गाड़ियाँ। अभी बस मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर लूँ फटाफट, फिर आपसे बातें करता हूँ। पूरा का पूरा मैं स्नो से भर गया और अभी मैं गाड़ी साफ़ करके हटा हूँ 1 मिनट पहले, और फिर से मेरी गाड़ी स्नो से भर गई। इतना बुरा हाल हुआ है। मेरे शूज़ स्नो से भीग गए हैं सारे के सारे, मेरे कपड़े स्नो से भीग गए हैं, मैं पूरा का पूरा स्नो से भीग गया। मेरे हाथ है ना, जो आई जस्ट कांट फील माई हैंड्स राइट नाउ। मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे कि मेरे पास मेरे हाथ भी हैं। ये सारे के सारे हाथ मेरे सुन्न हो गए हैं। देखा आपने क्या हाल हो रहा है। ये मेरे पीछे देखो जरा, स्नो का तूफान आया हुआ है। ये सारा का सारा वाइट हुआ है। मेरे टायर्स देखो जो स्नो में घुसे हुए हैं। मेरी गाड़ी का देखो क्या हाल हो गया। अरे ये देखो, देखो क्या हाल हुआ है यार। फिर कहते हो आप स्नो को देखना है। देखो मैं क्या बना हुआ हूँ, पूरा स्नो से भीगा हुआ, लेकिन अभी निकलना पड़ेगा हमें। मुझे बस इतना पता है, नहीं तो और ज्यादा स्नो बढ़ जाएगी। बाद में खेलने का मजा आता है इसके साथ, लेकिन जो बंदा बाहर है, जिसको घर जाना है, जिसने गाड़ियां चलानी है, और सबसे ज्यादा जिसने बस में घर जाना है, उसके बारे में जरा सोच कर देखो वो कैसे घर जाएगा। हाईवे पर हूँ, घर जा रहा हूँ मैं, और हाईवे का अब हाल देख रहे हो। ठीक है, अभी हाईवे पर कोई लेन नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं। जब हाईवे पर क्या हो रहा है, क्या मतलब गाड़ियाँ कैसे जाएंगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कोई लेन नहीं दिख रही है ना, तो अभी अगर हमने लेफ्ट टर्न भी लेनी है तो कैसे लेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी तो बस चल रहे हैं सभी अपने अपने अनुमान लगाकर। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये जो मेरी गाड़ी के इस टाइम वाइपर्स ख़राब हैं। ये देखो, फिर भी चलो गाड़ी साफ हो रही है, लेकिन ये अभी पहले मैं सबसे पहले कल सुबह उठकर इन्हें ठीक करवाऊंगा। तो अभी मैं हैलिफैक्स पहुंचा हूं और इस तरफ इन्होंने स्नो उठाई लगती है रोड से। और आसपास आप पेड़ देख रहे हो, ये सारे के सारे सफेद हुए हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं यार ये, मतलब देखने को तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये बस एक हवा चलेगी और ये सारे के सारे स्नो पेड़ों से नीचे गिर जाएगी। ये देखो मैं अभी पहुंचा हूँ अपनी गली में, और पहुंच तो गया मैं हमारे हैलिफैक्स में। हैलिफैक्स में इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ रही। ये देखो जैसे आपको दिख ही रहा होगा ना, अभी यहाँ पर तो बिल्कुल ही ये थोड़ी सी पड़ रही है। हमारे पास है 4 गाड़ियाँ इस बार फिर। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगानी पड़ेगी। जब मैं दोपहर को लेकर गया था ना गाड़ी, ये जगह पूरी साफ़ थी। इतनी स्नो में मैं गाड़ी लगा रहा हूँ ना, वो तो अभी टायर्स देखो मेरे, ये यहाँ से ये अगर मैं यही गाड़ी ना कहीं आगे लगाता तो आगे मेरी गाड़ी फंसी जाती, क्योंकि मेरी गाड़ी है रेयर व्हील, अगर फ्रंट व्हील होती ना तब आगे को लगती है। अभी मैं रिवर्स करके लगा रहा हूँ इसलिए वो पीछे को पावर दे रही है टायर, तो आराम से पीछे को लग जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क लगा रहा हूँ, अपना कैमरा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है स्नो में, स्नो में घुस गया सारा का सारा कैमरा। तो देखा आपने कितनी मुश्किल से गाड़ी वगैरह लगती है ना। ये देखो ये क्या हाल हो गया, ये सारा स्नो से भरा हुआ था, इस पर टायर जा जाके क्या हाल बना दिया टायरों ने। ये स्नो सारी पिघला दी यहाँ से, ये फ्रैक्शन हो जाती है ना वहाँ पर जहाँ से टायर जाते हैं फिर, तो तभी मैंने वहाँ पे कैमरा रखा था, मे भी आपको थोड़ा सा दिख गया हो। अब देखो अभी भी यहाँ से जाना है वहाँ तक, ये भी यार पंगा है, मेरे सारे शूज़ भीग जाएंगे अभी अभी। तभी ना हमेशा स्नो शूज़ अपने साथ रखने चाहिए। तो सीढ़ियाँ भी नहीं दिख रही है, देखो सीढ़ियाँ हैं, ये मैं सीढ़ियों में पैर रख रहा हूँ ना, स्नो में पैर रख रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कनाडा का तब तक मज़ा नहीं आता जब तक वहाँ पर स्नो ना पड़े, तो इस बार तीसरी बार ये स्नो पड़ी है नोवा स्कोशिया में, फिर भी ब्रैम्पटन से काफ़ी कम है। लेकिन मैंने एक हिसाब लगाया है यहाँ पर, जितना मुझे पता चला है अब तक, कि यहाँ पर स्नो पड़ती है लेकिन बस एक बार पड़ जाती है जितनी पड़नी है, उसके बाद हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ते फिर बिल्कुल स्नो नहीं पड़ती। ऐसा सीन था, काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी थी उस रात तो अभी तक भी पड़ी हुई है, आज भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी स्नो तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब भर गया है अभी स्नो के साथ। अब इतनी सी स्नो को पिघलने के लिए, बिल्कुल क्लियर होने के लिए 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की, इसके बाद तो हमने अभी वाइपर्स भी लेने गया था मैं गाड़ी के, उसके बाद स्नो भी हटाई थी बाहर से। लेकिन ये सारा कुछ हम अगले ब्लॉग में डालेंगे, और हमारा ड्रोन भी टूट गया था, वो भी अगले ब्लॉग में डालेंगे। फिर भी स्नो तो पड़नी है, सर्दियाँ हैं तो, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नो नहीं इस बार पड़ रही, भगवान का शुक्र है। एनीवेज अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। जो नहीं आए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे हाई ही लिख दिया करो लेकिन किया जरूर करो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्ना ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।